गाइस यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है ड्रीम ट्यून। उनके चैनल पर 6,68,000 सब्सक्राइबर है और सिर्फ 232 वीडियोस उन्होंने उनके चैनल पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। और ये चैनल गाइस ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है, 1 साल पुराना चैनल है और इनके पर वीडियो पर गाइस लाखों करोड़ में व्यूज़ भी आते हैं, ठीक है। अभी गाइस मैं वीडियो सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और आप लोगों को वीडियो का व्यू दिखा देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं गाइस 2 घंटा पहले उन्होंने उनके एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पर और 24,000 व्यू आई है, ठीक है। अभी गाइस 20,000 दिखा था और 1 मिनट 2 मिनट बाद उनके वीडियो पर 1,000 करके व्यूज बढ़ रही है, ठीक है। अभी मैंने 2,000 अभी गाइस 20,000 मैंने देखा, अभी 24,000 हो गया, समझ सकते हो। उसके बाद 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया, इन वीडियो पर 3 लाख व्यूज़ आए गए हैं, ठीक है। उसके बाद 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया, इन वीडियो पर 9,17,000 व्यूज़ आई है। उसके बाद यहाँ पर देखो 4,70,000, उसके बाद 3,55,000, 50,000, उसके बाद 13 लाख। अगर मैं गाइस इन चैनल का पॉपुलर वीडियो का व्यू दिखाऊँ तो आप देख सकते हो गाइस 1.2 करोड़ व्यूज़ है, ठीक है, जो कि 4 मंथ पहले एक वीडियोस को अपलोड किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 63 लाख, 64 लाख, 50 लाख, 60 लाख, उसके बाद 95 लाख, यहाँ पर 56 लाख, 50 लाख, 41 लाख, 44 लाख, ऐसे करके पर वीडियो पर व्यूज़ है, समझ सकते हो, मिलियन में व्यूज़ है, करोड़ों में व्यूज़ है। और ये किस टाइप के वीडियोस अपलोड करता है गाइस, ये एनिमेशन वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, जो कि ये जो वीडियो है गाइस, इसी वीडियो को मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस ये कुछ इस टाइप के एनिमेशन वीडियोस अपलोड करते हैं। तो गाइस आप समझ सकते हो कि एनिमेशन वीडियो पर व्यूज़ कितना आते हैं, लोग कितना ज़्यादा एनिमेशन वीडियोस देखना पसंद करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग गाइस एनिमेशन वीडियोस देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं भी गाइस एनिमेशन वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है तो। अभी गाइस मैं इन चैनल का अर्निंग दिखा देता हूँ कि ये चैनल एनिमेशन वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब से कितना कमाता है। तो आप देख सकते हैं गाइस इस चैनल का जो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग है वो $6,800 से लेकर के $1,09,000 ये पर मंथ यूट्यूब से अर्निंग करता है। यानी कि गाइस इसका जो मिनिमम अर्निंग है $6,800 है, ठीक है। ये $6,800 से ज़्यादा अर्निंग करता है, बट इसका जो मिनिमम अर्निंग दिखा रहा है $6,800 है। मान लीजिए यहाँ पर मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि ये पर मंथ $8,000 अर्निंग करता है, ठीक है। अगर हम $8,000 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है गाइस, 6,56,000, ठीक है। तो आप समझ सकते हो गाइस कि 6 लाख घर बैठे बैठे इंडिया में कमाना इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का काम है। इसके लिए गाइस आपके पास एक बड़ा सा बिजनेस होना चाहिए, नहीं तो आपके पास एक अच्छा हाई लेवल का जॉब होना चाहिए, तब जाकर आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तभी ये इतना सैलरी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना गाइस, हाई लेवल में होना चाहिए तब जाकर आप इतना अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। बट गाइस अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है ना, तो ये अर्निंग कुछ भी नहीं है, इससे भी आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। काफ़ी गाइस बड़े बड़े यूट्यूब पर चैनल है जो लोग एनिमेशन वीडियोस अपलोड करते हैं, वो लोग गाइस 10 लाख, 15 लाख, 17 लाख एंड करोड़ों में अर्निंग करते हैं। तो आप भी गाइस एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना करके आप भी यूट्यूब से लाखों में अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। एकदम गाइस सिंपल सा काम है, ठीक है। आपको चैनल बनाना है एंड एनिमेशन वीडियोस अपलोड करना है। एनिमेशन अगर आपने एक बार सीख लिया तो गाइस आप लाखों में कमा सकते हो, बट एनिमेशन अगर आपने नहीं सीखा तो मैं हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। आप मोबाइल फ़ोन की मदद से ही उस टाइप का एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। इसके लिए मेरा चैनल है, पूरा चैनल आप लोग विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, एनिमेशन सीख सकते हो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिंपल से मोबाइल फ़ोन की मदद से एनिमेशन वीडियोस बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप मोबाइल फ़ोन की मदद से एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाओगे, ठीक है। तो आप भी गाइस अगर आप यूट्यूब से पैसे अर्निंग करना चाहते हैं, इस तरह का लाखों में अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो होने वाला है गाइस वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखते रहना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए गाइस आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है एंड प्ले स्टोर पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोमा टून्स, ठीक है, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। एंड सर्च करने के बाद गाइस ये जो एप्लीकेशन है गाइस क्रोमा टून मैक एनिमेशन, ये एप्लीकेशन का आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 10 लाख ये डाउनलोड किया हुआ है और अच्छा खासा रेटिंग भी है, ठीक है। तो इसी एप्लीकेशन की मदद से गाइस आप एनिमेशन वीडियोस को बना सकते हैं इजीली, ठीक है, और आप बहुत ही अच्छा खासा पैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का आप इंस्टॉल कर लीजिए। चलो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे दिखाते हैं कि इस एप्लीकेशन से आप कैसे एनिमेशन वीडियोस बनाएंगे, कैसे टॉकिंग करेंगे, कैसे लिपसिंग करेंगे, कैसे सब कुछ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। देखिए ये जो एप्लीकेशन है गाइस वो हमारे डिवाइस पर इंस्टॉल हो गया है और अभी मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और ये जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया है। आपको गाइस सिंपल से यहाँ पर जो कुछ भी अलाउ मांग रही है ना, यानी कि परमिशन मांग रही है, उसको आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कैमरा परमिशन मांग रहा है रिकॉर्ड करने के लिए, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। तो अलाउ करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। आप देखो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है लेट्स स्टार्ट, ये इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा, फिर ओके वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिया गया है
एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, ये रहा कैरेक्टर, यहाँ पर चार कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि आप उसको लेकर एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर है जो है इंडियन वाइफ टू, इंडियन वाइफ, ससुमा, लेडी, बहुत सारे यहाँ पर कैरेक्टर है। एक एक कैरेक्टर को ले सकते हो और एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। अगर आप कैरेक्टर चेंज करना चाहते हो तो सिंपल सा यहाँ पर कैरेक्टर को चेंज कर देना है, यहाँ पर कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। चलो हम ये जो चार कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को हम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, मतलब ये नॉन कर देते हैं, हम दो कैरेक्टर चाहिए हम, तो हम यहाँ पर दो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर गेट कैरेक्टर ऑप्शन पर क्लिक करके आप कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर दिखाऊंगा। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फ्यूचर है एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इसको यूज़ करके एनिमेशन वीडियोस बनाना चाहते हैं ना गाइस, एकदम प्रोफेशनल आप इस एप्लीकेशन से बना सकते हैं। हमारे एक फ्रेंड जिसका नाम है सूरज, वो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी गाइस इसी एप्लीकेशन से एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं एंड उनका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है और वो अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर रहे हैं। उनका चैनल का नाम है चिलेक्स सोकन, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं एंड काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा व्यूज़ भी आता है उनको। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर जो है कैरेक्टर सेलेक्ट हो चुका है। अब ये कैरेक्टर को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, मतलब ये देखो ये जो कैरेक्टर है वो इस साइड में मतलब दिख रही है और ये कैरेक्टर इस साइड में दिख रही, अगर ये कैरेक्टर को इस साइड में अगर आप दिखाना चाहते हैं उसको, तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको ये जो प्लस आइकॉन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको नीचे ऊपर में देखो एक ऑप्शन है फ्लिप, तो इस फ्लिप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये देखो रोटेट हो जाएगा। आप देखो गाइस, ठीक है, इसका अगर आप साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप देखो नीचे साइज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कैरेक्टर का साइज भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो देखो ये छोटा हो गया है। ठीक है, आप देखो, अब गाइस इस पर अगर आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एनिमेशन अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर डबल टैप करके भी आप एनिमेशन कर सकते हो। आप देख सकते हो ये डिफ़ॉल्ट में दिया गया है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए सिंपल सबको करना क्या होगा, यहाँ पर प्लस वाला जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप देखिए यहाँ पर मूव वन, मूव टू एंड मूव फाइव एंड मूव सिक्स दिया गया है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसका जो वॉकिंग बड़ा चाहते हो तो वॉकिंग भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर नीचे वॉकिंग का है, यहाँ पर टॉकिंग है, वॉकिंग है, पोज, बहुत सारे पोज दिया गया है। एक एक करके आप सिलेक्ट करके आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर सब गाइस यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन दिया गया है, तो एक एक आपको एनिमेशन को सिलेक्ट करना है और आपको देख लेना है कि आपके स्टोरी के साथ कौन सा एनिमेशन मैच कर रहा है, वो आपको सिलेक्ट करना है एंड अप्लाई कर देना है, तो ये वही इस तरह का ही वो हरकत करने लगेगा, तो ये आप कर सकते हो गाइस। ठीक है ना गाइस, इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो एक ही तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो ये गाइस एनिमेशन का काम आई होप कि आप समझ गए होंगे कितनी आसानी से आप बना सकते हो, मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल में दिखा दिया है। ठीक है, आप गाइस यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आप बैकग्राउंड कैसे चेंज करोगे। बैकग्राउंड चेंज करना भी काफ़ी इजी है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ऊपर में ये वाला जो ऑप्शन देख रहा है गाइस, ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो बैकग्राउंड दिया गया है, बैकग्राउंड वन, बैकग्राउंड टू, बैकग्राउंड थ्री। अब देखो यहाँ पर बैकग्राउंड में आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ, देखो ये देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया। और अगर आपके फ़ोन में कुछ कस्टम बैकग्राउंड है, मतलब आपने खुद से क्रिएट किया है उस बैकग्राउंड को और अपने स्टोरी पर ऐड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर जो देखो एक ऑप्शन है इनपुट बैकग्राउंड, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर गैलरी से या फाइल मैनेजर से सिलेक्ट करना है कोई भी बैकग्राउंड को आप इनपुट कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को इनपुट करके दिखा देता हूँ, सिंपल से मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये गाइस बैकग्राउंड का काम भी आप समझ गए होंगे। आप गाइस कैरेक्टर में कुछ ऑब्जेक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई बैग, नाइफ, हैंडगन, तो भी कर सकते हो। सो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइड में देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कैरेक्टर को आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस कैरेक्टर पर आप ये ऑब्जेक्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वो आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ये चुड़ैल, ठीक है, कौन सा है रे चुड़ैल का, ये हमने चुड़ैल को सिलेक्ट कर दिया है। चुड़ैल के हाथ में गाइस एक AK-47 है, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। आप देखो AK-47 ये इन्होंने पकड़ा लिया है, अब देखो गाइस इसके हाथ में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को आप ऐड कर सकते हो।
सिंपल सपोर्ट से। और ऑब्जेक्ट भी गाइस यहाँ पर आपको भर भर के मिलेगा, यहाँ पर कस्टम ऑब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके फोन में कस्टम ऑब्जेक्ट है, आपने बनाया है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है गाइस, सब कुछ आप ये कर सकते हो। गाइस यहाँ पर कैमरा जूम आउट एंड जूम इन भी कर सकते हो। इसके लिए गाइस ऊपर में देखो कैमरा का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से जूम आउट जूम इन कर सकते हो। आप देखो हो गया ना जूम आउट, तो इस तरीके से जूम कर सकते हो और इस तरीके से जूम आउट भी कर सकते हो। तो ये गाइस मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कैसे करोगे। तो एनिमेशन करना सिंपल सब प्रोसेस है गाइस, इतना झंझट झमेला कुछ भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, मतलब एक टिक लगा देना है। ठीक है, ये काम करना है। काम करने के बाद अब इस पर कैसे आप मतलब इसको वॉकिंग कराएंगे एंड ये जो कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को यहाँ से कैसे आप यहाँ तक लेकर आएंगे, चलो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको कैरेक्टर पर क्लिक करना है एंड जो वॉकिंग वाला जो एनिमेशन है या पोज आप जो भी बोल सकते हो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये देखो वॉकिंग कर रहा है। आप देखो अब आपको करना क्या होगा, आपको ऊपर में देखो फ्रेम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस, तो आपको एक प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और एक फ्रेम आपको बना लेना है कुछ इस तरीके से। फिर कैरेक्टर को कुछ ऐसा आपको ड्रैग करना है, फिर आपको एक फ्रेम सेव करना है, फिर आपको इस तरीके से मतलब तीन चार आपको फ्रेम सेव कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये कैरेक्टर जो है चलकर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कर लेना होगा। यहाँ पर गाइस कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर लेना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो एनिमेशन है वो कैसा हुआ है। तो अभी मैं आपको प्ले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। आप देखो गाइस जो मैंने बनाया है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। तब देखो गाइस एकदम सिंपल स्टेप से मैंने एनिमेशन बनाकर आप लोगों को दिखा दिया है। तो इसी तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। और बहुत लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि भाई ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर डिफ़ॉल्ट में रहते हैं, इस कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते क्या? तो हाँ भाई, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, आपका खुद का कैरेक्टर भी आप लगा सकते हो, ठीक है, उसको भी एडमिशन करा सकते हो इस एप्लीकेशन से। कैरेक्टर का जो कपड़ा है, स्किन कलर है, ड्रेस है, सब कुछ ऑलमोस्ट आप चेंज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। कैरेक्टर का कपड़ा का कैसे चेंज करोगे, ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को लेकर 10-15 वीडियोस बना दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, देखो और सीखो, यही मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर आप लोगों को पैसे कमाना है तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको रिकॉर्ड करोगे, कैसे आपके गैलरी पर आप इसको सेव करोगे। सो इसके लिए गाइस सिंपल सा प्रोसेस है। ऊपर में देखो रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्टार्ट नाउ का जो रिकॉर्ड कर लिया। आप गाइस आपको करना क्या होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो आपको काइन मास्टर पर आना है, ठीक है, सिंपल से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड एडिट करना है। तो एनिमेशन तो गाइस आपने बना लिया है इसको रिकॉर्ड करके। आप गाइस यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो आप ध्यान से देखिए, आपको वीडियो को एडिट करना होगा। सो इसके लिए आपको काइन मास्टर पर आना है, फिर मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है ना उसी एप्लीकेशन से एनिमेशन वीडियो को, उसको आपको यहाँ पर इनपुट कर लेना होगा। इनपुट करने के बाद आपको करना क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल साउंड है वो आपको म्यूट कर देना है एंड म्यूट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रिकॉर्ड करते समय नॉइस वगैरह आ गया है या कुछ भी हो गया है, इसीलिए मैं म्यूट कर देने के लिए बोल रहा हूँ, आप म्यूट कर दीजिए, बाद में आप वॉइस ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप गाइस यहाँ पर पैन जूम का ऑप्शन दिखा देगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन दोनों पोजीशन को सिलेक्ट करके आपको मतलब इक्वल कर देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। जूम करेंगे तो आपका जो वीडियो का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा रहे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा और अच्छा लगेगा देखने में, तो ये कर देना है। अब गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब गाइस आपको यहाँ पर सिंपल से वॉइस ओवर कर देना है। ठीक है, आपने जो भी स्टोरी लिखा है वो हिस्टोरी को यहाँ पर आपको बोल देना है। तो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल से यहाँ पर देखो रिकॉर्ड का ऑप्शन है और जो भी आप बोलना चाहते हैं डायलॉग वगैरह सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और अच्छा सा एनिमेशन वीडियोस बना लीजिए। ठीक है, मैं गाइस इस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 3, 4, 5, 10 वीडियोस अपलोड कर दिया है और उस वीडियो पर मैंने पूरा डिटेल में दिखाया है। ठीक है, इसलिए गाइस इस वीडियो पर मैं इतना डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को सीखना है, जानना है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपको करना है और वीडियोस को बनाना है, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है और पैसे कमाना है, बहुत ही अच्छा खासा व्यूज आएंगे।